नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी के द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है और इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार के द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये महत्वपूर्ण बात कही। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई। योजना के तहत 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है और अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण प्रदान करेंगे। सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपये तक का अगर ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी।
ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रूपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रूपये वार्षिक की सब्सिडी देगी, ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रूपये से अधिक वेतन दिया जाता है, हमारी सरकार ने हरियाणा में